सिरसा 23 की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। आज सरपंचों के धरने पर हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला पहुंचे। उन्होंने सरपंचों को समर्थन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए सरपंचों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ जो ई पंचायत प्रणाली का जो सरपंच विरोध कर रहे हैं उस कानून को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। मैं तो आज भी इनके धरने को इसलिए समर्थन देने आया हूँ कि इनकी जो जायज़ मांग है, मुख्यमंत्री पहले तो इस बात के लिए माफ़ी मांगे जो इनको अपमानित करने का काम किया, और फिर इनकी मांगों पे पुनर्विचार करे और इनकी जो जायज़ होने वाली मांग है उसको तुरंत पूरा करे। क्योंकि सरकार ने सभी हम पहले इनको बुला बुला करके कहा कि हम आपको ये सुविधा देंगे, हम आपको ये सुविधा देंगे। हालत ऐसी है कि 3.5 वर्ष से एक नया पैसा किसी पंचायत में ग्रांट के रूप में नहीं है। ये सरपंच बैठे हैं सारे, इनसे पूछो कि तुम्हारे पास ग्रांट के रूप में कोई पैसा सरकार की तरफ से आया है? एक पैसा भी सरकार ने दिया नहीं। उल्टा सरपंचों को अब ये कहा जा रहा है कि लाख लाख रुपया और तुम जमा कराओ। ये जो शौचालय बनवाए गए थे इसका पैसा केंद्र की सरकार से आया, इनके मंत्रालय में बैठे लोग इस पैसे को खा गए। सरपंचों ने पंचायतों के पैसे से शौचालय बना करके दिए हैं, एक नया पैसा सरकार की तरफ से किसी काम पे आज तक खर्च नहीं हुआ। उल्टा उनको अपमानित करते हैं, गुंडे और बदमाश बताते हैं, चोर और डाकू कहते हैं। तो फिर मान के चलो, लोगों ने मुख्यमंत्री चुना था, लोगों ने तानाशाह नहीं बनाया था। हर जो आदमी इस तरह की तानाशाही करेगा उसको 100% इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।